पार्टी के। तो चलिए सीधे भावना का रुख करते हैं। भावना ग्राउंड से लगातार एक्टिव है। भावना, अरविंद केजरीवाल पर हम बातचीत कर रहे थे, उनकी कार्यशैली पर बातचीत कर रहे थे, अपनी बात पूरी कर लीजिए। जी जरूर, देखा जाए तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल तिहाड़ जेल के अंदर थे, आम आदमी पार्टी के तमाम मंत्री जब तिहाड़ जेल के अंदर रहे, तो कहीं ना कहीं उन सभी डैमेजेस को कंट्रोल करते हुए आतिशी ने बखूबी अपनी भूमिका निभाई और इसी कारण से जो है आतिशी को मुख्यमंत्री का पदभार दिया गया, क्योंकि जो जो चीज़ें आतिशी द्वारा बहुत बखूबी निभाई गई तो कहीं ना कहीं पूरी जो विधायक मंडल है उन्होंने इस प्रस्ताव को पारित किया और आतिशी को अगले मुख्यमंत्री के रूप में चुना। और इसी बात को कहते हुए आतिशी भी नजर आई, उन्होंने अरविंद केजरीवाल का धन्यवाद किया और साफ तौर पर वो ये कहती हुई नजर आई कि जो जिम्मेदारी उन्हें सौंपी गई है वो उसको बखूबी निभाते हुए नजर आएंगी। वहीं देखा जाए जब से ही आतिशी का नाम सामने आया कहीं ना कहीं विपक्ष जो है लगातार अब आम आदमी पार्टी के ऊपर हमलावर होता हुआ नजर आ रहा है। जिस तरीके से अभी भी वीरेंद्र सचदेवा द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ये कहा जा रहा है कि अंदरूनी कलह है, लेकिन देखा जाए तो पूरा विधायक मंडल जो है वो इसमें सहमति दिखाता हुआ नजर आया है। सबकी सर्व सहमति से जो है आतिशी को मुख्यमंत्री का पदभार दिया गया है। और यही नहीं कि आतिशी और भी नामों पे लगातार चर्चा बनी हुई थी, लेकिन जिस तरीके से पिछले काफ़ी लंबे समय से आतिशी आम आदमी पार्टी के बीच जुड़ी हुई हैं और मुश्किल दौर में जिस तरीके से आतिशी ने स्टैंड लिया, इस कारण से अरविंद केजरीवाल ने खुद ने आतिशी का नाम इस पद के लिए सजेस्ट करा है। उम्मीद लगाई जा रही है अब से कुछ देर बाद जो मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल हैं वो एलजी सचिवालय से बाहर निकलेंगे और शायद एक बार फिर से ये कहा जा सकता है कि बतौर मुख्यमंत्री के तौर पे एक बार फिर से दिल्ली की जनता को कोई मैसेज ज़रूर दिया जाएगा। और इन सब चीज़ों के कारण कहीं ना कहीं आगे जिस तरीके से चुनाव भी नज़दीक आ रहे हैं उनमें भी काफ़ी फेरबदल देखने को मिल सकता है। कहीं ना कहीं भाजपा के लिए एक बड़ी चुनौती हो सकती है, क्योंकि भाजपा लगातार दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का इस्तीफा तो मांग रही थी और अब अरविंद केजरीवाल ने वो इस्तीफा भी दे दिया है, लेकिन इस इस्तीफे से लेकर चुनाव तक के बीच के सफर में अरविंद केजरीवाल लगातार दिल्ली की जनता के बीच भी बने रहेंगे, दिल्ली की जनता के हर वो काम को भी पूरा करेंगे जो वादे उन्होंने करे हैं। तो कहीं ना कहीं भाजपा के लिए एक बड़ी चुनौती हो सकती है, लेकिन आगे आने वाले विधानसभा में चुनाव में क्या होगा ये देखना बहुत अहम होगा कि भाजपा को एक बार फिर से करारी हार का सामना करना पड़ता है या फिर अरविंद केजरीवाल के इस फैसले का नुकसान आम आदमी पार्टी को उठाना पड़ सकता है। बिल्कुल भावना, इस बीच मैं आपसे एक और विषय समझना चाहूंगी। देखिए अरविंद केजरीवाल के ऊपर लगातार निशाना साधते हुए विपक्ष कहता रहा कि अरविंद केजरीवाल जब जेल जा रहे थे तो उसी दौरान उनको नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दे देना चाहिए था, लेकिन आम आदमी पार्टी की जिस तरीके की स्ट्रैटेजी अभी तक काम करने वाली रही है और अब अरविंद केजरीवाल जब जेल से बाहर आए जमानत पर, उसके बाद क्या लगता है आपको कि हम अरविंद केजरीवाल का क्या कोई प्रो वर्जन देख रहे हैं क्या? जी देखिए, जब अरविंद केजरीवाल तिहाड़ जेल में गए थे तमाम आरोप अरविंद केजरीवाल के ऊपर लगाए गए थे तो कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल से भाजपा लगातार इस्तीफे की मांग कर रही थी, लेकिन जब अरविंद केजरीवाल ने अपने इस्तीफे की घोषणा की, यानी कि 15 सितंबर को जब उन्होंने जन लोगों को कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए घोषणा करी तो उन्होंने इस घोषणा में ये भी साफ ऐलान किया कि आखिरकार अरविंद केजरीवाल इस्तीफा क्यों दे रहे हैं और उन्होंने तिहाड़ जेल में रहते हुए इस्तीफा क्यों नहीं दिया, इस बात को भी बहुत ही स्पष्ट रूप से जो है कहते हुए नजर आए थे। देखिए मैं एक बार आपको तस्वीरें दिखाना चाहूंगी, हलचल तेज हो गई है, आप देख सकते हैं उपराज्यपाल सचिवालय का जो एग्जिट डोर है वो खुल गया है और ये वही गाड़ी है जिसके अंदर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जो है वो निकल गए हैं। आप देख सकते हैं तस्वीरों में कि किस तरीके से अरविंद केजरीवाल और उनके साथ जो है आतिशी भी इसी गाड़ी में मौजूद हैं। अरविंद केजरीवाल अपना इस्तीफा उपराज्यपाल को सौंप के यहाँ से जा चुके हैं, वही तमाम कैबिनेट के जो और भी मंत्री हैं वो भी यहाँ से निकल रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जो चीज़ देखी जा रही थी कि एक अरविंद केजरीवाल इस्तीफा देंगे और वहीं अब एक रिएक्शन का इंतजार उम्मीद लगा रही थी कि बतौर मुख्यमंत्री पद पे रहते हुए अरविंद केजरीवाल शायद दिल्ली की जनता को कोई मैसेज दें, तो वो फिलहाल नहीं देखने को मिला। तो बड़ी अपडेट, सीएम अरविंद केजरीवाल ने इस्तीफा दे दिया है, उपराज्यपाल को इस्तीफा दे दिया है अरविंद केजरीवाल ने। अब आतिशी के हाथों में होगी दिल्ली की कमान। सीएम अरविंद केजरीवाल ने इस्तीफा दे दिया है।
ठीक है, एलजी हो गया वो। लेकी कमान, एलजी को अरविंद केजरीवाल ने इस्तीफा सौंप दिया है और अब दिल्ली की मुख्यमंत्री, दिल्ली के नेता आतिशी होंगे। तस्वीर में देखिए, आतिशी ने सरकार बनाने का दावा पेश कर दिया है। दूसरी तरफ अरविंद केजरीवाल ने एलजी को इस्तीफा सौंप दिया है। तो सीएम अरविंद केजरीवाल ने इस्तीफा दे दिया है। चलिए, भावना ग्राउंड जीरो से लगातार हमारे साथ में जुड़ी हुई है। भावना, क्या कुछ अपडेट? आतिशी कैमरे के सामने, गोपाल राय कैमरे के सामने, अरविंद केजरीवाल नजर नहीं आ रहे, कैसी हलचल? जी मैं आपको बता दूं कि दिल्ली के उपराज्यपाल दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल उपराज्य सचिवाल से अपना इस्तीफा देकर यहां से जा चुके हैं। वहीं आपकी कैबिनेट जो अरविंद केजरीवाल के साथ आई हुई थी, वही कैबिनेट अब दिल्ली की नई मुख्यमंत्री आतिशी के साथ देखने को मिल रही है। आप देख सकते हैं तस्वीरों में कि किस तरीके से आतिशी के साथ गोपाल राय, इमरान हुसैन, कैलाश गहलोत जो है, वो सौरभ भारद्वाज जो है, वो सब आतिशी के साथ मौजूद है। कहीं ना कहीं कोशिश की जा रही है कि आतिशी कुछ अपना वक्तव्य दिल्ली की जनता के सामने रखे, क्योंकि जब उन्हें मुख्यमंत्री पद का पदभार सौंपा गया था अरविंद केजरीवाल द्वारा, तब भी वह अरविंद केजरीवाल का धन्यवाद करती हुई नजर आई थी। और आज आतिशी ने सरकार बनाने का जो प्रस्ताव है वो दिल्ली के उपराज्यपाल के समक्ष रख दिया। आगे की प्रतिक्रिया का इंतजार किया जा रहा है। दिल्ली के उपराज्यपाल द्वारा एमएचए भेजा जाएगा, वहां से नोटिफिकेशन आएगा, तब दोबारा अरविंद केजरीवाल को यहां बुलाया जाएगा और उसके बाद आतिशी जो है वो मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ लेंगी। लेकिन फिलहाल आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरीके से जो है आतिशी और जो तमाम कैबिनेट मंत्री हैं वो यहां पर मौजूद हैं। और कहीं ना कहीं जो अरविंद केजरीवाल वो सुनने की एक नई कर रही थी, मुख्यमंत्री शायद दिल्ली को कोई मैसेज कर जाएंगे, तो उन्होंने फिलहाल ऐसा नहीं कहा। सचिवालय से जा चुके हैं, बाकी कैबिनेट अभी यहाँ पर मौजूद है। बिल्कुल भावना, आपको यहाँ पर रोकना चाहेंगे। देखिए आतिशी शायद कुछ कह रही है। बिल्कुल भावना, अपनी बात आप पूरी कीजिए। जी मैंने जैसे भी बताया कि सभी मैं अब इंतजार किया जा रहा है कि शायद आतिशी दिल्ली के लोगों को कोई ना कोई मैसेज देंगी और अब इस बार का इंतजार किया जाएगा जब दोबारा मुख्यमंत्री एक बार फिर दिल्ली को नई महिला मुख्यमंत्री मिली है तो मुख्यमंत्री कब शपथ लेती है उस घड़ी का इंतजार किया जाएगा, क्योंकि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल द्वारा एक इस्तीफा सौंप दिया गया है। भाजपा लगातार दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का इस्तीफा बिहार से मांग रही थी, लेकिन ये भी आशंका लगाई जा रही है अगर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल गिरफ्तारी के दौरान यानी कि तिहाड़ जेल से इस्तीफा देता तो कहीं ना कहीं पार्टी कमजोर पड़ी।